हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द न्यू लीव। गाइस, आप सबका स्वागत है। होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो गाइस, जैसे कि आपने आज टाइटल में पढ़ा, आज हम बात करने वाले हैं उस हेयर रिमूवल क्रीम के बारे में जिससे आप अपने प्यूबिक हेयर्स को रिमूव कर सकते हो। यस, यू हर्ड इट राइट, प्यूबिक हेयर्स को भी रिमूव कर सकते हो, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये सेंसिटिव एरियाज पे बहुत अच्छे से काम करता है। और वो कौन सा प्रोडक्ट है? वो प्रोडक्ट है दिस इज नोनूज मेन हेयर रिमूवल क्रीम फॉर सेंसिटिव स्किन। गाइज, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अपने चैनल पे उन हेयर रिमूवल क्रीम्स का रिव्यू करने के लिए जो आप सेंसिटिव एरियाज पे लगा सकते हो। मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि कौन सा हेयर रिमूवल क्रीम मैं अपने सेंसिटिव पार्ट्स पे या फिर प्यूबिक हेयर्स को रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट मार्केट में हैं जो कि मैं हमेशा बोल देता हूँ कि नहीं, आप प्लीज़ इसको अपने प्यूबिक हेयर्स को रिमूव करने के लिए मत यूज़ करिए। बट दिस प्रोडक्ट नोनूज न्यू हेयर रिमूवल क्रीम फॉर सेंसिटिव स्किन इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर प्यूबिक एरियाज, प्यूबिक हेयर। गाइज, प्यूबिक हेयर और जेनाइटल्स में फ़र्क होता है, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। दिस क्रीम यू कैन अप्लाई इन योर प्यूबिक हेयर रिमूवल के लिए, नॉट फॉर योर जेनाइटल्स और एनस रीजन के लिए नहीं है, बट फॉर अंडर आर्म्स, फॉर यू नो, फॉर योर चेस्ट, फॉर योर एब्डोमेन, फॉर योर हैंड्स, फॉर योर लेग्स, फॉर एनी पार्ट अदर देन द जेनाइटल्स एंड योर फेस एरिया। हमेशा मैं ये भी बोलता हूँ कि प्लीज़, बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि अनवांटेड हेयर मेरे स्किन में है, मेरे फेस पे है, बट मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो कैन आई यूज़ हेयर रिमूवल क्रीम्स? द आंसर इज नो, यू शुड नॉट यूज एनी हेयर रिमूवल क्रीम्स। दिस हेयर रिमूवल क्रीम आई विल रिकमेंड फॉर प्यूबिक हेयर रिमूवल ऑल्सो। इफ़ यू सी द पैकेजिंग, दिस हैज़ अ ब्यूटिफुल पैकेजिंग, दिस कम्स इन अ ट्यूब लाइक दिस, इट्स 100 ml ट्यूब। इसका प्राइस है ₹599, बट अगर आप Amazon या Flipkart से लेते हैं तो इस पर डिस्काउंट है, आई थिंक ₹100 का, ₹499 का आपको ये पड़ेगा। इट इज़ वेरी गुड गाइज, आपको इसको एक्सपेंसिव मत समझिए, बिकॉज दिस वर्क्स ऑन योर प्यूबिक हेयर, और प्यूबिक हेयर पर अगर आप कोई सामान, कोई प्रोडक्ट लगाते हैं, इट शुड बी वेरी वेरी गुड। एंड आई हैव ट्राइड इट बाई माई सेल्फ, कोई जलन नहीं होती है, कोई रैश नहीं पड़ती है। हमेशा याद रखिए, जलन और रैश अगर कोई क्रीम आपको दे रही है तो वो क्रीम लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा खराब करने वाला है आपके स्किन को, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑल्दो फॉर सेफ्टी आई विल स्टिल यू नो सजेस्ट यू टू डू अ पैच टेस्ट व्हेन यू आर अप्लाइंग इन योर प्यूबिक एरियाज और एनी सेंसिटिव पार्ट। एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे एक वीडियो भी देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लेग्स में अप्लाई किया है। सबसे पहले आपको क्रीम को निकालना है, देखिए बहुत ही क्रीमी कंसिस्टेंसी है, और अच्छे से उस एरिया पे इसको अप्लाई कर देना है। थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट लीजिएगा ताकि सारे बाल कवर हो जाए। बहुत लोग बोलते हैं कि बाल नहीं रिमूव हुए हैं बहुत सारे हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करके, क्योंकि आप शायद बहुत कम क्वांटिटी यूज़ करते हैं। प्लीज़ यूज़ adequate quantity on that area and then keep it for 4 minutes. 4 minutes बाद अगर आप देखते हैं कि थोड़े थोड़े बाल निकल रहे हैं या फिर बहुत कम बाल दिख रहे होंगे आपको पतले होते हुए, तो आप थोड़ा और वेट कर लीजिए, 6 minutes तक वेट कर लीजिए। 6 minutes तक वेट करने के बाद आप इसको पानी से भी वॉश ऑफ कर सकते हैं, या फिर आप एक स्पैचुला ले लीजिए। यहाँ पे एक स्पैचुला भी दिया हुआ है, ये है वो स्पैचुला। स्पैचुला के मदद से आप अच्छे से अपने बालों को रिमूव कर लीजिए, फिर यू टेक अ बाथ एंड देन अप्लाई अ मॉइस्चराइजर। गाइज, इसमें जो की इंग्रेडिएंट है ये है टी ट्री ऑयल, सेडरवुड ऑयल, विटामिन सी और एलोवेरा। इसके मदद से जब आप इसको लगाइएगा तो इसका जो स्मेल है वो इतना ज़्यादा पंजर्ड नहीं है बिकॉज ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स। ऑल्सो व्हेन यू अप्लाई दिस एंड रिमूव इट तो एक टी ट्री ऑयल की खुशबू रहती है, एलोवेरा आपके स्किन में कोई भी रैश या फिर कोई भी इरिटेशन नहीं आने देता है, और जो विटामिन सी है इसके अंदर, इससे वो जो जगह है वो बहुत ज़्यादा ग्लो भी करता है। तो बहुत लोग, बहुत मिथ है कि हेयर रिमूवल क्रीम लगाने से आपके उस एरिया का जो रंग है वो काला पड़ जाता है। इट्स ऑल्सो अ मिथ गाइज, काला तो कभी नहीं पड़ेगा, बल्कि ये जो नोनू का हेयर रिमूवल क्रीम है इससे तो विटामिन सी है, इससे वो जगह बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा, हेल्दी रहेगा। सो गाइज, आई होप आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अमेजन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फ्लिपकार्ट का भी है, आप किसी भी ई कॉमर्स साइट से जाके परचेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल then please do consider subscribing. Thank you so much. See you.